बता दें कि वही SSV जायसवाल जिनके पास मतलब कि रहने का जगह नहीं था, खेलने के लिए पैसा नहीं था, मतलब कि संघर्षों के दिनों जब वो मतलब क्रिकेट मैदान मतलब कि क्रिकेट खेलना शुरू किए थे मुंबई के स्टेडियम में, जो कि पहला मैच उन्होंने मतलब कि वानखेड़े स्टेडियम में जब उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, उस समय मतलब कि उनके पास जो कि पैसा नहीं था रहने के लिए, मतलब कि मैदान रहने के लिए घर नहीं सही से थे, उनके पिताजी जो कि वानखेड़े स्टेडियम के बगल ही मतलब एक मतलब कि फुल्की का ठेला लगाते थे, वहाँ पर मतलब कि पिताजी काम करते थे मतलब कि, और समय रहता था तो SSV जायसवाल भी वहाँ पर काम करते थे। आपको बता दें कि SSV जायसवाल जो कि पांचवें टेस्ट मैच के दौरान इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहने वाली बात नहीं है, और इतिहासों के पन्ने में अपना बड़ा बहुत बड़ा नाम दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि 2015 में जब विराट कोहली मतलब कि वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे, इतिहास के पन्ने पर पहले खिलाड़ी जो कि अपना नाम दर्ज किया था, एक वनडे में 655 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाकर एक पारी में जो कि अपने नाम ये इतिहास सबसे बड़ा दर्ज किया था। वहीं अगर बात करें SSV जायसवाल की और वहीं विराट कोहली की बात करें तो 2015 से लेकर 2024 के बीच में अभी तक विराट कोहली का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड यह अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया था। अगर वहीं अगर बात करें तो जितने भी मतलब कि और खिलाड़ी, अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, कोई भी मतलब कि अभी तक जितना 2015 से लेकर 2024 के बीच में जितना भी टेस्ट मैच हुआ विराट कोहली का, मतलब कि वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। वो कहा जाता है ना कि विराट कोहली का रिकॉर्ड वही तोड़ सकता है मतलब जो कि इंडियन खिलाड़ी हो, वही ना मतलब कि मैच के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जो कि ODI में 50 सेंचुरी मारे थे, उनका रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी हमारा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा तो भारतीय खिलाड़ी कोई तोड़ पाएगा, या तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, या तो रोहित शर्मा। वहीं 2023 में ODI वर्ल्ड कप में मतलब कि विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर एक शतक जो कि आगे कर लिया, मतलब कि जो उनका था 50 था, इनका 51 हो गया। अगर वहीं अगर बात करें तो वो जो कि टेस्ट मैच में जो एक 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 पारी में जो कि 655 रन विराट कोहली 2015 में मारे थे, उनका रिकॉर्ड अभी तक तो कोई नहीं तोड़ पाया। और अगर वहीं बात करें टेस्ट मैच के पांचवा मैच जो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच पांचवा टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान में खेला जा रहा है, अगर वहीं पहला मैच की बात करें तो पहला मैच जो कि धर्मशाला में ही खेला था, और धर्मशाला में जो पहला मैच खेला गया था तो SSV जायसवाल ने 100 रन बनाया था। दूसरा मैच रांची के मैदान में दोहरा शतक, तीसरा मैच जो कि वो भी खेला गया था इधर की धर्मशाला के मैदान में, वहाँ भी दोहरा शतक। फिर अगर चौथा मैच की बात करें रांची के मैदान में, वहाँ पर कुछ खास प्रदर्शन मतलब कि रहा नहीं था SSV जायसवाल के। अगर पाँचवा मैच की बात करें तो पाँचवा मैच में SSV जायसवाल ने विराट कोहली का भी वह रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है, क्योंकि विराट कोहली 2015 में 655 रन बनाए थे, SSV जायसवाल जो कि 656 रन बनाकर वह रिकॉर्ड अपना नाम कर लिया है। तो हमने सोचा कि आप तक ये वीडियो शेयर करें कि जो SSV जायसवाल जो कि 656 रन बनाकर विराट कोहली का वह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो कि पहले खिलाड़ी बन गए हैं अब, जो कि पहले तो विराट कोहली थे, दूसरे खिलाड़ी जो कि SSV जायसवाल बन गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रन टेस्ट पारी में बनाने वाले खिलाड़ी जो कि SSV जायसवाल बन गए हैं, और इसी के कारण जो कि इंग्लैंड को इस तरीके से 5-0 से हरा कर बहुत बड़ा इतिहास के पन्नों में अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया। तो हमने सोचा कि आप तक वीडियो साझा करें। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।